तो मैं बिल्कुल कान लगा के बैठा हूँ बिल्कुल। तो भाई आवाज सुनकर मन ने तो मजा आ गया। दोस्तों सेडान का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लग्जरी। और लग्जरी के बारे में जब भी इंसान सोचता है तो उसके मन में क्या आता है कि यार खर्चा, तगड़ा खर्चा, मतलब मोटा खर्चा। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा कि अगर आपको लग्जरी के साथ साथ बजट फ्रेंडली चीज मिले और साथ ही साथ सेफ्टी भी मिले। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो कार लेके आए हैं वो है दोस्तों होंडा की अमेज। आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी दोस्तों प्यारी इसकी लुक है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास ये जो कार है ये दोस्तों एक सेडान सेगमेंट की कार है और जो कि अच्छे बजट के साथ साथ एकदम सेफ्टी भी हमें प्रोवाइड करती है। इसकी दोस्तों अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो दोस्तों सेफ्टी जनरली जब लोग सोचते हैं तो उनके दिमाग में ऑप्शंस क्या रहते हैं, या तो टाटा की कार या फिर महिंद्रा की कार। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं होंडा की जो कार्स है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी के साथ आती हैं। इसकी दोस्तों ग्लोबल एनकैप के अंदर जो रेटिंग है ना वो दोस्तों 4 स्टार रेटेड है और दोस्तों काफ़ी सेफ ये कार है। अगर दोस्तों मैं इसके वेरियंट की बात करूँ, हमारे पास आज जो वेरियंट है ये दोस्तों पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का इसके अंदर गेयरबॉक्स आता है। और ये है दोस्तों VX वेरिएंट जो दोस्तों इसका टॉप मॉडल है। इसके अंदर 3 मॉडल आपको मिलेंगे, ES और VX। ये दोस्तों हमारे पास टॉप एंड वेरिएंट है VX पेट्रोल के अंदर। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट लुक की। दोस्तों काफ़ी तगड़ी और एकदम बीस्ट लुक दोस्तों हमें प्रोवाइड करती है। दोस्तों इससे पहला वेरिएंट आता था, मतलब इससे पहला जो जनरेशन था उसमें दोस्तों हमें इतनी अच्छी लुक नहीं मिलती थी, लेकिन दोस्तों इस जनरेशन के साथ ना होंडा ने बहुत ही तगड़े लुक का अपग्रेड किया है। इसके अंदर दोस्तों हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि हाई बीम और लो बीम दोनों इसी के अंदर है। यहाँ दोस्तों हमें इंडिकेटर मिल जाता है, साथ ही साथ दोस्तों ये दोस्तों DRLs का सेटअप हमें यहाँ पर मिल जाता है जो दोस्तों काफ़ी प्यारे लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें जो है क्रोम की गार्निश मिल जाती है यहाँ पे ऊपर। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम फॉग लैंप की बात करें दोस्तों यहाँ हमें मिल जाते हैं फॉग लैंप जो दोस्तों LED का सेटअप है, हेलोजन में नहीं है। और यहाँ दोस्तों हमें मिल जाते हैं क्रोम की पट्टी, ये दोस्तों काफ़ी प्यारी लगती है। और यहाँ दोस्तों हमें टो बार का जो है यहाँ पे हमें जगह जो है वो मिल जाती है, यहाँ हम टो बार लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह की कुछ फ्रंट लुक इसमें हमें मिल जाती है जो कि दोस्तों काफ़ी एक बीस्ट लुक हमें प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके इंजन की। दोस्तों इंजन भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों इंजन में मैं इसको आप खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये कुछ इसकी असेंबली है। दोस्तों इसके अंदर हमें जो इंजन मिलता है 4 सिलेंडर का 1.2 लीटर का इंजन हमें मिलता है जो कि 90 PS की मैसिव पावर जनरेट करता है। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो 110 Nm का टॉर्क दोस्तों ये इंजन जनरेट करता है जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी पावर हो जाती है अगर हम लंबे सफ़र की या फिर सिटी ड्राइव दोनों को कंबाइन करें। दोस्तों बहुत ही अच्छी पावर हो जाती है। यहाँ दोस्तों में किसी प्रकार के इंसुलेशन नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर होती है दोस्तों बेटर रहता, बट इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोस्तों होंडा का इंजन है भाई, होंडा का इंजन बहुत ही रिफाइंड होते हैं और 4 सिलेंडर इंजन है तो वैसे भी काफ़ी रिफाइंड रहते हैं। तो दोस्तों अब इसकी इंजन की आवाज़ सुन लेते हैं। अभी दोस्तों जैसे कि आप समझ सकते हैं कि गाड़ी जो शोरूम पर खड़ी थी अभी कोल्ड स्टार्ट है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों आवाज़ कोल्ड स्टार्ट दोस्तों बंद हो चुकी है, मतलब गर्म हो चुकी है गाड़ी। आप देख सकते हैं दोस्तों आवाज़ किस तरीके की है। AC भी दोस्तों गाड़ी के अंदर ऑन है, आप देख सकते हैं आवाज़ कितनी है AC ऑन होने के बावजूद। अभी दोस्तों मैं आपको AC बंद करके भी दिखाता हूँ किस तरीके की आवाज़ जो है आती है AC बंद करके ही। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है भाई इंजन होंडा में रिफाइनमेंट तगड़ी होती है। अब आप सुन सकते हैं दोस्तों इसकी आवाज़ इंजन की विदाउट AC। इससे पहले जो आवाज़ थी दोस्तों स्टार्टिंग में कोल्ड स्टार्ट थी और उसके थोड़ी देर बाद ही दोस्तों एकदम नॉर्मल हो गई थी और वो भी AC के साथ थी वो आवाज़। आप सुन सकते हैं दोस्तों आवाज़ बिल्कुल दोस्तों कम आवाज़ है, एकदम रिफाइनमेंट तो भाई होंडा की कोई मैच नहीं कर सकता। अब दोस्तों बोनट बंद कर देते हैं और उसके बाद आवाज़ सुनते हैं। तो आप दोस्तों इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, मुझे लग रहा है आप सुन ही नहीं पा रहे होंगे क्योंकि एक तो दोस्तों थोड़ी सी जो है नॉइज़ कैंसलेशन भी होती है माइक के अंदर और आवाज़ इतनी कम है ना शायद ये माइक कैप्चर भी ना कर पाए। दोस्तों बहुत ही तगड़ी रिफाइनमेंट हमें होंडा की मिलती है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दोस्तों आवाज़ मेरे को, मैं बिल्कुल कान लगा के बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे को भी कम महसूस हो रही है। दोस्तों होंडा की रिफाइनमेंट अच्छी होती है तो आपको शायद हो सकता है ना आवाज़ आ रही हो क्योंकि दोस्तों थोड़ी बहुत नॉइज़ कैंसलेशन माइक में होती है। दोस्तों काफ़ी साइलेंट इंजन इसका है, 4 सिलेंडर इंजन का दोस्तों बेनिफिट ही ये होता है। और दोस्तों मेरी आपसे एक शिकायत है यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो यार लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं और दोस्तों इतने अच्छे तरीके से आपके लिए वॉक अराउंड लेके आते हैं जिसमें हम आपको इंजन की साउंड भी सुनाते हैं, म्यूजिक सिस्टम की साउंड भी सुनाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको मेजर करके भी दिखाते हैं कि सीट की हाइट, लंबाई और चौड़ाई क्या है। ऑल्दो दोस्तों आज तो
हमारे पास अवेलेबल नहीं था इंची टेप, इस वजह से आज हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन दोस्तों आगे से जितनी वीडियो आएंगे ना, सब में हम आपको मेजर करके दिखाएंगे कि सीट की चौड़ाई कितनी है, सीट की लंबाई कितनी है और हेडरूम कितना है। दोस्तों एकदम नाप के, वो अंदाजे वाला काम हम नहीं करते कि भाई इतने बिलाते नाप लो। हम दोस्तों आपको एकदम करेक्ट दिखाएंगे नाप के, सेंटीमीटर में और इंच में। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, देखते हैं गाड़ी में आगे हमें क्या क्या मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल की। दोस्तों 15 इंच के इसमें हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि दोस्तों डायमंड कट में आते हैं। अगर दोस्तों नीचे के वेरिएंट्स की बात करें ई और एस में, दोस्तों हमें स्टील व्हील्स ही मिलते हैं यहाँ, लेकिन दोस्तों हमें 15 इंच के मिलते हैं, उसमें हमें 14 इंच के मिलते हैं। यहाँ 15 इंच के मिल जाते हैं जो कि दोस्तों डायमंड कट में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। MRF ने यहाँ कंपनी टायर प्रोवाइड कर रही है और इसकी जो डायमेंशन है 175 प्रोफाइल दोस्तों 65R15, काफ़ी अच्छे दोस्तों इसके अंदर टायर हैं। और आपको तो पता ही MRF के टायर कितने अच्छे होते हैं। अगर दोस्तों हम इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ हमें ORVMs मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी बात है, जो सेफ्टी को एनहेंस कर देते हैं क्योंकि लुक गाड़ी की जो विजिबिलिटी वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों इसकी जो की है ना कुछ इस तरीके की है, आप समझ ही गए होंगे कि यार इस तरीके की है तो मतलब कीलेस एंट्री। कीलेस एंट्री दोस्तों आपको नहीं पता है, बता देता हूँ, जिसके अंदर दोस्तों हमें चाबी लगाने की जरूरत नहीं होती, पुश स्टार्ट बटन मिलता है और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर होता है जिसको अगर हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी। अभी दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी को मैंने लॉक कर दिया है, गाड़ी दोस्तों लॉक हो गई है। इसमें दोस्तों एक होंडा की टेक्नोलॉजी है। अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों, ज़्यादातर गाड़ी में आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट सेंसर दबाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, अगर मैंने यहाँ भी हाथ डाल दिया ना, गाड़ी अनलॉक हो गई। आप देख सकते हैं मेरा जो हाथ है, मैंने बटन दबाया नहीं है लेकिन गाड़ी जो है अनलॉक हो गई है। फिर से करके दिखाता हूँ दोस्तों, गाड़ी लॉक हो गई है, चाबी मेरे हाथ में है, बटन नहीं दबाया है लेकिन गाड़ी जो है वो अनलॉक हो गई है। तो ये दोस्तों होंडा हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से दोस्तों अमेज करती रहती है और गाड़ी का नाम भी अमेज ही है। तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर कंपनी हमें देती है, काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी देती है जो दोस्तों छोटी छोटी होती हैं, बहुत लोग नहीं बताते हैं, बट हम आपको डिटेल में एक चीज़ बताते हैं। तो ये दोस्तों इसका मेरे को अच्छा फीचर लगा, मतलब आपको बटन भी नहीं दबाना। अब दोस्तों इस तरीके की इसकी कुछ लुक है, आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों फ्यूल लीड मिल जाती है, 35 लीटर है इसका पेट्रोल का टैंक है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार गुब्बारे गुब्बारे क्यों लगा रखे हैं, हम हैं प्राइम होंडा दिलशाद गार्डन के अंदर। यहाँ दोस्तों एक कार्निवल चल रहा है, मतलब मेला लगा हुआ है गाड़ियों का, आप अपनी गाड़ी एक्सचेंज कर सकते हैं और नई गाड़ी खरीदने में आपको बहुत ही तगड़ी छूट मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ऑन द स्पॉट आपका इवैल्यूएशन होगा जो कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे एक्सचेंज बेनिफिट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो आपकी गाड़ी के और लोग जो वैल्यू लगाएंगे एक्सचेंज की, उससे दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी। और साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, ऐसा आपको पता है दिसंबर एंड के अंदर जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत सारे ऑफर्स निकालते हैं, दोस्तों आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अभी दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे कि आपको पता ही है आज है 23 तारीख, दोस्तों बहुत ही लिमिटेड ऑफर्स हैं, आप आके यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं और इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस ऑफर का आप फायदा ले सकते हैं। काफी कोऑपरेटिव है, स्टाफ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा भी यहाँ पे रहा। और दोस्तों कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब दोस्तों आ गए हैं बूट पे, गया डिग्गी में कितना जगह मिलती है भाई, कितने बंदे हम डाल सकते हैं इसमें किडनैप करके, तो अब वो चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों खोलने के हमें यहाँ पे दो तरीके मिलते हैं, अंदर से कोई मैनुअल बटन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन और रिक्वेस्ट सेंसर दोनों एक ही बटन में है। और साथ ही साथ ये चाबी है, यहाँ पे हमें एक स्विच मिल जाता है जिसको अगर हम होल्ड करके रखेंगे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये ठक से खुल जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हमारे हो गए लैंप जो कि नंबर प्लेट के लिए होते हैं, और यहाँ हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ मिल जाता है हमें जो भी मैंने स्विच की बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस रिवर्स सेंसर। तो स्पेस दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है यार, दो बंदे तो आप इसमें पैक करके डाल सकते हो, तीसरा नहीं आ पाएगा। मतलब अगर आप माफिया टाइप काम करते हो तो आप इसमें दो बंदे तो भाई फिट कर लोगे, ठीक है, लेकिन तीसरा नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों स्पेयर व्हील की बात कर लेते हैं, जब बूट खोल ही लिया है तो स्पेयर व्हील भी दोस्तों हमें मिलता है R14 का। चलो कोई नहीं दोस्तों, ये तो सारी कंपनी कर रही है, मतलब एक इंच छोटा देती हैं, बट वॉक्सवैगन की तरह इन्होंने कम से कम दो इंच छोटा तो नहीं दिया, एक इंच छोटा ही है वो। दोस्तों हमें स्टील ट्रिम के साथ मिलता है जो स्पेयर व्हील है, और यहाँ दोस्तों हमें मिल जाते हैं हमारे जैक वगैरह भाई कहीं पर पंचर हो जाए तो। दोस्तों इस तरीके कुछ हमें यहाँ पर बूट मिल जाता है, कोई बूट लैम्प तो हमें यहाँ पर नहीं मिलता यार, बूट लैम्प हमें मिल जाता है जिसके अंदर दोस्तों हमें पीली लाइट मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे कपड़ा लगा रखा है कंपनी ने, तो दोस्तों जो हमारी यहाँ पे तार वगैरह होती हैं वो हमें नहीं दिखेंगी, ठीक है। अब दोस्तों लाइट्स की बात कर लेते हैं, LED लाइट्स का पूरा सेटअप है, सारी की सारी यहाँ पे दोस्तों LED लाइट है। LED लाइट्स का दोस्तों बेनिफिट क्या होता है, एक ना डिमार्केटेड लुक देता है, मतलब जैसे आप जो है एक लाइट जलाओ, मतलब जो नॉर्मल बल्ब होते हैं जो उनको जलाओगे तो दोस्तों ऐसा लगेगा मतलब फैला हुआ सा, लेकिन LED जलाओगे ना बिल्कुल अलग ही चमकेगी, मतलब उसकी लाइन अलग ही चमकेगी। ये दोस्तों LED लाइट्स का बेनिफिट होता है। दोस्तों इस तरीके की पूरी इसकी बाहर की लुक है, और ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और यहाँ शीशे में हमें मिल जाता है डी फॉगर जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में, आपको पता ही है जैसे अभी कितनी ठंड पड़ रही है तो धुंध जम जाती है,
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये फीचर हमें मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों इंटीरियर के अंदर की क्या क्या हमें इंटीरियर के अंदर मिलता है। भाई बाहर इतना कुछ, अंदर भी काफ़ी मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों दरवाजे की बात कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों हमें मिल जाता है सॉफ्ट टच प्लस, मतलब है तो प्लास्टिक ही बट थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल का इन्होंने हमें फील दिया है, जो कि दोस्तों डुअल टोन में मिल जाता है, बीज प्लस ब्लैक। यहाँ दोस्तों हमारे पास है ओआरवीएम्स के कंट्रोल, और शीशे दोस्तों हम खोल बंद कर सकते हैं बटन से, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट, ये लॉक अनलॉक हो गया, ये ऑटो अप और डाउन दोनों है ड्राइवर साइड वाली, और बाकी सारी जो है मैनुअल है, मतलब है बटन से तो है कंट्रोल बट दबा के रखना पड़ेगा। और स्पीकर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 चारों खिड़कियों में हमें इसमें स्पीकर मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं दोस्तों। हमने तो भी आवाज़ सुनी थी, आपको भी सुनाएंगे, काफ़ी अच्छी आवाज़ हमें लगी। और दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 4 स्टार तो है ही, तो एक हमें थर्ड की आवाज़ यहाँ पर मिलती है। चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। सीट जो है दोस्तों इस मॉडल के अंदर हमें हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, जो कि दोस्तों एक अच्छी बात है, और साथ ही साथ दोस्तों रिक्लाइन और आगे पीछे दोस्तों है ही सीट के दोस्तों जो कम्फर्ट लेवल है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दबाने में। तो तब चलते हैं दोस्तों कार के अंदर और अंदर के फीचर्स चेक करते हैं, एक एक फीचर दिखाएंगे दोस्तों, बने रहना। अब दोस्तों आ गए हैं हम गाड़ी के अंदर, और अब दोस्तों शांति का माहौल हो चुका है। यहाँ का दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया था, अब यहाँ दोस्तों हमें मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ दोस्तों हेडलाइट लेवलर, ये दोस्तों सब में कॉमन ही होता है। यहाँ दोस्तों एसी वेंट्स के चारों तरफ हमें मिल जाती है एक क्रोम की लाइन, जो कि दोस्तों अच्छी लगती है काफ़ी। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मीटर की। भाई मीटर में ना एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, मतलब बीच वाली MID जो है वो है हमारी डिजिटल, और साथ में दोनों तरफ टैकोमीटर और स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग है। स्पीड दोस्तों इसमें हमें 180 की मैक्सिमम मिल जाती है, और इसमें दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, रेंज होगी, एवरेज होगी, वही जो नॉर्मल चीज़ें दोस्तों मिलती हैं गाड़ियों में। अब दोस्तों स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वही दोस्तों ऑडियो कंट्रोल्स, और यहाँ दोस्तों क्रूज कंट्रोल, जो कि दोस्तों बहुत ज़रूरी फीचर होता है लंबी ट्रिप्स के लिए। अब दोस्तों स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब दोस्तों टिल्ट तो आपको मिल जाएगा ऊपर नीचे, बट टेलीस्कोपिक नहीं है। अगर टेलीस्कोपिक होता तो यार और थोड़ा बेटर हो जाता। ऑटो हेडलैम्प दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ ऑटो लिखा हुआ है, और जो वाइपर है हमें वो यहाँ पे मैनुअल ही मिलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा लुक दिखा देता हूँ कि किस तरीके का जो है यहाँ पे लुक जो है हमें मिलता है। अभी दोस्तों सीट जो है मैं पूरी ऊपर कर रहा हूँ, दोस्तों सीट जो है वो पूरी ऊपर है, आप देख सकते हैं किस तरीके का लुक मिल रहा है। दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि सेडान में जनरली क्या होता है, आपको नीचा फील होता है, बट इसमें ना हमें थोड़ा ऊंचा फील होता है, और पूरा बोनट दिखता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों मैं पूरा सीट को नीचे करके दिखाता हूं आपको। अब दोस्तों सीट जो है वो पूरी नीचे हो चुकी है, अब दोस्तों कुछ इस तरीके का लुक आपको मिलता है। काफ़ी दोस्तों अभी भी मेरे को लगभग पूरा बोनट जो है वो विजिबल है, मेरी हाइट जो 5'8" है। अब दोस्तों आपकी हाइट कम भी होना तो दिक्कत नहीं आएगी, भाई इसकी हाइट एडजस्टमेंट मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, और सीट की जो पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हेडरूम की, दोस्तों मेरे को जो हेडरूम मिल रहा है वो दोस्तों 6 इंच का करीब करीब मिल जा रहा है। हालांकि दोस्तों हम माफ़ी चाहेंगे, फीता हमारे लेके नहीं आए, अगले बार हम फीता भी लेके आएंगे। दोस्तों लेग रूम आप देख सकते हो, अच्छा खासा लेग रूम भी मिल जाता है, अगर पूरी सीट की चक्री दिखाऊँ तो भाई लंबे बंदे को भी दिक्कत तो नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ हमें मिल जाता है बोनट खोलने का, और यहाँ हमें मिल जाता है फ्यूल लिड का। तो ये तो दोस्तों हो गई यहाँ की कहानी, और ये दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेंसर दिख रहा होगा, ये सेंसर दोस्तों उसके लिए है जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प होता है ना, उसके लिए सेंसर है। तो अब दोस्तों आ जाती है बीच की कहानी, ये दोस्तों इसकी जो प्लेसमेंट है ना एसी वेंट्स की, ये मेरे को अच्छी लगती है इस तरीके की। कई गाड़ियों में इस तरीके से होती है, हवा ढंग से आती नहीं है। यहाँ दोस्तों में फुल टच जो है सिस्टम मिल जाता है। इसकी दोस्तों मेरे को अच्छी बात ये लगी, इसकी दोस्तों टच रिस्पॉन्स है ना, मेरे को होंडा सिटी से ही बेटर लगा इसका टच रिस्पॉन्स। दोस्तों मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, होंडा सिटी से भी मेरे को इसका बेटर लगा। अब दोस्तों इसकी सुन लेते हैं आवाज़ कैसी है। बाकी दोस्तों आपको पता ही है आज के ट्रेंड का, एंड्रॉइड और सारी चीज़ें हमें इसमें मिली जाती है, नहीं देंगे तो भाई भड़क जाएंगे लोग। तब तक दोस्तों ऊपर की बात कर लेते हैं, जब तक हमारा फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो रहा है। यहाँ दोस्तों में मिल जाती है बीच वाली लाइट, जो कि दोस्तों पीली है, सफ़ेद होती तो बेटर रहता है, हमारी शिकायत है। यहाँ दोस्तों हमें ना तो टिकट होल्डर दे रहे हैं, ना ही हमें दे रहे हैं शीशा, भाई ये कमी कर दी है, यहाँ कॉस्ट कटिंग कर दी, भाई मज़ा नहीं आया। यहाँ दोस्तों हमें शीशा मिल रहा है यार, यहाँ पे एक पट्टी लगा देते टिकट होल्डर हो जाता। यहाँ दोस्तों ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, मतलब आप यहाँ पकड़ सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती है तो। दोस्तों हमारा फ़ोन हो चुका है कनेक्ट, अब आपको दिखाऊंगा इसकी आवाज़, दिखाऊंगा सुनाऊंगा यार। दोस्तों अब इसकी आवाज़ सुन लो किस तरीके की आवाज़ इसमें हमें मिलती है। दोस्तों NCS का गाना ही हम चला पाएंगे भाई, और कोई तो चला देते भाई कॉपीराइट आ जाता है, तो NCS का ही चलाएंगे, चलाते हैं दोस्तों कोई। यार ये एड्स बिना आनी ज़रूरी है भाई, इसके बिना कमाई नहीं होती, हेड बिना तो क्या है। आवाज यार बहुत ही जबरदस्त है भाई, मेरे को तो मजा आ गया सुन के भाई, वूफर रखवाने की जरूरत नहीं है।
तो भाई आवाज़ सुन के मन ने तो मज़ा आ गया दोस्तों, मेरे को तो मज़ा आ गया भाई आवाज़ सुन के। मतलब ज़बरदस्त आवाज़ है, वूफर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कंपनी आपको जो दे रही है उसमें आपके मज़े बन जाएंगे। अब भाई फाड़ने वाली आवाज़ चाहिए एकदम तो भाई तब तक तो लगवाने पड़ेगा, लेकिन इसमें भाई अच्छी खासी मतलब बेस है। अब यहाँ दोस्तों इसकी शीशे की बात कर लेते हैं, भाई मैनुअल है लेकिन यार मेरे को इसकी क्वालिटी ना बहुत ही मतलब एवरेज से भी नीचे लगी यार, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है यार ये, मतलब ऐसा लग रहा है भाई बिल्कुल ही चोर बाजार से खरीद के लगा दिया है। तो ये यार मैं होंडा को कहना चाहूँगा यार ये थोड़ा इंप्रूव करें। बाकी दोस्तों मैनुअल और मैनुअल एडजस्टमेंट है डे नाइट की, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इसकी जो थोड़ी सी क्वालिटी है ना वो मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो ये दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक दे देते तो भाई सोने पर सुहागा हो जाता। और यहाँ दोस्तों हमें ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, भाई ऑटोमेटिक एसी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि यार क्या होता है जैसे ठंड में क्या होता है कई बार भाप जम जाती है, और कई बार क्या होता है कि बिल्कुल ही बाहर से भाप जम जाती है, कभी अंदर से भाप जम जाती है। तो ऑटोमेटिक एसी में आपने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया ना तो इस तरीके से सेट कर देगा, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ऑटोमेटिक एसी ना बहुत ज़रूरी है। और इसके नॉब्स यार मेरे को प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, बहुत ज़रूरी है भाई। ये दोस्तों 1.5 एम्पियर और 1 एम्पियर, इसमें पता नहीं यार क्यों भेदभाव कर दिया इन्होंने, मतलब 1.5 एम्पियर ही दे देते यार दोनों ही, क्या दिक्कत थी। चलो कोई नहीं सह लेंगे, थोड़ा चाबी की हमने बात कर ही ली थी, यहाँ यार आपके कप मिल जाएंगे, दारू वारू पीते हो तो आप कप यहाँ पे रख सकते हो। ये दोस्तों कूल्ड तो नहीं है, गियर नॉब दोस्तों इसकी प्यारी लग रही है मेरे को, मतलब अच्छी है। यहाँ दोस्तों क्रोम की फिनिश है तो बहुत अच्छा लुक ये प्रोवाइड कर रही है। यहाँ यार एक कमी छोड़ दी यार, मज़ा नहीं आया यार, आर्मरेस्ट दे देते ना भाई मौज बन जाती, मतलब हाथ को अभी यहाँ लटकाना पड़ेगा। 10 लाख में सब कुछ दे दें लेकिन यार आर्मरेस्ट तो देना ही चाहिए था। चलो कोई नहीं, अब यहाँ बात कर लेते हैं ग्लव बॉक्स की, ठीक ठाक है स्पेस भाई, कागज़ वागज तो आ जाएंगे, बट कूल्ड नहीं है, कूल्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो यार ये इन्होंने ना थोड़ा प्लास्टिक जो है ना प्रीमियम लगता है होंडा की, मेरे को ये बात तो अच्छी लगती है भाई, प्लास्टिक है ना थोड़ा प्रीमियम होता है, मतलब फिट एंड फिनिश भी अच्छी होती है। और ये दोस्तों तो क्रोम तो नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सिल्वर फिनिश है तो अच्छी लुक दे रहा है ये। इसके दोस्तों हॉर्न की आवाज भी सुन लेते हैं एक बार, सिंगल टोन में है दोस्तों बट ठीक है, थोड़ा भारी होता तो यार थोड़ा दबदबा बनता, बट कोई नहीं, बताओ आप बाहर से भी लगवा सकते हो भारी वाला। अब चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ और देखते हैं पीछे के पैसेंजर्स को कैसी मौज बनने वाली है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं पीछे, पीछे की बात कर लेते हैं तो पीछे कंफर्ट तो मेरे को अच्छा लगा सेडान में दोस्तों, यही सबसे अच्छी बात होती है, पीछे का जो कंफर्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और दोस्तों लेग स्पेस भी अच्छा है, और हेडरूम तो दोस्तों मतलब 6 फीट के बंदे को तो भाई दिक्कत होगी, सही बताऊँ तो मतलब ऐसे फैल के बैठेगा तब तो नहीं होगी, बट ऐसे सीधा अगर बैठेगा तब तो 6 फीट वाले बंदे को दिक्कत होगी, बट नॉर्मल बंदे के लिए ठीक है, क्योंकि दोस्तों आजकल जो हाइट ज़्यादातर लोगों की 5-6, 5-8 इतनी रहती है, 6 फुट के बंदे दोस्तों थोड़े कम होते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एसी वेंट्स नहीं दी यार, ये कमी इन्होंने छोड़ दी, एसी वेंट्स होते तो भाई पूरा मतलब बहुत ज़बरदस्त हमें सोने पे सुहागा हो जाता यार, मौज बन जाती। पावर अपग्रेड यहाँ पे दे रखा है 12 वोल्ट का, यहाँ यार एक आध यूएसबी का दे देना चाहिए था तो बेटर रहता। हालांकि दोस्तों आप इसमें आफ्टर मार्केट तो लगवा सकते हो अगर हम बात करें तो आर्मरेस्ट की, लेकिन आफ्टर मार्केट में ना वो मज़ा नहीं आता जो कंपनी फिटेड में आता है। सीट की दोस्तों कंफर्ट की बात करें दोस्तों आगे की तरह ही कंफर्ट तो अच्छा है ऑब्वियसली, और आर्मरेस्ट दोस्तों पीछे दे दिया, मतलब ये भेदभाव किया, मतलब इनकी सोच यही है कि ये गाड़ी वही खरीदेगा जिसे ड्राइवर से गाड़ी चलवानी है, ड्राइवर की कोई चिंता नहीं है ना, ड्राइवर आर्मरेस्ट हो चाहे ना हो नहीं पीछे भाई देना जरूरी है। ऑब्वियसली दोस्तों सेडान के ऊपर ज़्यादातर कंपनियों की सोच यही रहती है, लेकिन दोस्तों हम कहना चाहेंगे होंडा भाई आगे भी दे दो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कार एंथुसिएस्ट भी होते हैं जो खुद गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें हुक मिल जाती है चाइल्ड एंकरेज सीट की, जैसा कि आपको पता ही है चाइल्ड एंकर सीट्स आती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ जो है हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं, क्योंकि इसकी जो बच्चों की सेफ्टी है वो 1 स्टार है। हालांकि दोस्तों वो जो सेफ्टी रेटिंग आती है बच्चों की वो दोस्तों चाइल्ड आइसोफिक सीट के ऊपर मैटर करती है, और चाइल्ड आइसोफिक सीट दोस्तों मैंने तो किसी को भी यूज़ करते हुए नहीं देखा आज तक रोड पे। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी चाइल्ड सेफ्टी में कितने भी रेटिंग है ना वो जब मायने रखेगी जब आप चाइल्ड आइसोफिक्स वाली सीट होती है वो यूज़ करोगे, वो यूज़ नहीं करोगे तो भाई चाहे 5 स्टार हो चाहे 3 स्टार हो चाहे 1 स्टार हो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो इतना मैटर करता नहीं है। तो दोस्तों गाड़ी अच्छी खासी सेफ है, 4 स्टार है दोस्तों, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। हेडरेस्ट दोस्तों इसमें हमें मिलते हैं वो है दोस्तों फिक्स्ड है, आगे वाले तो हैं हमारे ऊपर नीचे होने वाले, आगे वाले तो हैं दोस्तों जो हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ भेदभाव किया गया है पीछे वालों के साथ, मतलब पीछे वालों को मतलब एक्स्ट्रा गद्दा लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ इन्हें जो आर्मरेस्ट है वो देने चाहिए थे इन्हें एडजस्टेबल। अब दोस्तों वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि यार हमने गाड़ी तो देख ली क्या हमारे लेने लायक है या नहीं। अब दोस्तों इसके सेगमेंट की बात करें, वर्डिक्ट दोस्तों हमेशा कंपैरिजन के साथ होता है, सेगमेंट की बात करें दोस्तों ये सेडान सेगमेंट, इसमें दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 3 गाड़ियाँ आती हैं जनरली जो इस सेगमेंट की हैं, मतलब एक तो आती है हमारी होंडा ही ओरा, एक आती है टाटा टिगोर और एक हमारी है होंडा अमेज। अगर दोस्तों हम होंडा अमेज की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है दोस्तों करीब करीब 960-970 के आसपास, इसका प्राइस जो है करीब करीब पड़ जाता है ऑन रोड दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें।
टॉप एंड वेरिएंट का, जो दोस्तों VX वेरिएंट है, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसमें हम बैठे हैं। और दोस्तों अगर हम टेगोर की बात करें तो करीब 865-870 उसका भी इतना प्राइस है टॉप एंड वेरिएंट का, मतलब XZ प्लस का जो उसका वेरिएंट आता है दोस्तों, करीब करीब 1 लाख रुपये का डिफरेंस है। वो भी 4 स्टार है, ये भी 4 स्टार है। अब दोस्तों मैं डिफरेंस की बात करूँ तो उसमें दोस्तों हमें मिलता है 3 सिलेंडर का इंजन और इसमें मिलता है 4 सिलेंडर का इंजन। लगभग दोस्तों पावर सेम ही है, वो दोस्तों करीब 85-86 PS की प्रोड्यूस करता है, 90 PS की प्रोड्यूस करता है। और टॉर्क भी दोस्तों लगभग बराबर 110 के आसपास उसकी भी है। बट दोस्तों फर्क क्या है 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर इंजन में, ये फर्क होता है कि 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा साइलेंट होते हैं, हायर RPM से भी आपको नॉइज़ नहीं आएगी कार के अंदर एज कम्पेयर टू 3 सिलेंडर इंजन। वहीं दोस्तों हम थोड़ी होंडा की बात करें कि इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, इसमें दोस्तों आपको क्रूज़ कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा और उसको लगभग सारी चीज़ें बाकी तो सेम ही है। और दोस्तों एक और चीज़ अच्छी जो इसके अंदर है होंडा के अंदर, इनकी दोस्तों जो फिट एंड फिनिश है ना वो दोस्तों काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू टाटा। उनमें दोस्तों आपको छोटी छोटी सी मिस्टेक्स मिलेंगी, जैसे दोस्तों कहीं पर आपको शायद वेल्डिंग के निशान मिल जाएँ, मतलब थोड़ा सा जो कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी हाथ की सफाई, वो दोस्तों आपको होंडा में ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो दोस्तों आपको उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, इसमें भी। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमें आर्म रेस्ट नहीं मिलता दोस्तों, उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों जो IRVM है हमारा, वो उसमें ऑटो नहीं मिलता, इसमें भी ऑटो नहीं मिलता दोस्तों। ये तो लगभग कॉमन ही फीचर है। और दोस्तों साथ ही साथ और इसमें दोस्तों जो हमें लाइट मिलती है, कैबिन लाइट जो मिलती है जनरली दोस्तों, इसमें हमें 2 मिल जाती हैं, उसमें दोस्तों हमें 1 ही मिलती है, बट उसमें वाइट है, वो थोड़ी अच्छी लगती है देखने में। बट ये है कि इसका मतलब तो आप बाहर से भी चेंज करवा सकते हो बट लगवा नहीं सकते अलग से। तो यहाँ पे दोस्तों ये कार जीतती है। और अगर दोस्तों हम बात करें इसके लुक्स की, तो दोस्तों लुक्स में हमें ये उससे ज़्यादा बेटर लगती है थोड़ी, वो दोस्तों थोड़ी गोल मटोल सी लगती है, थोड़ी कर्वी सी है दोस्तों, ये जो है थोड़ी स्लिम एंड सेक्सी लगती है। तो दोस्तों अगर लुक्स के मामले में हम कहें तो ये कार ऑब्वियसली जीतती है। बट दोस्तों 1 लाख रुपये का डिफरेंस है, तो अगर आप क्रूज कंट्रोल और अगर आप ये सब फीचर्स चाहते हैं जैसे 4 सिलेंडर इंजन, दोस्तों आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको मायने नहीं रखता क्रूज कंट्रोल इतना, दोस्तों ऑब्वियसली आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं अगर 1 लाख रुपये से आपका कम बजट है। लेकिन दोस्तों अगर आपका इतना बजट है ना 10 लाख तक का, तो दोस्तों ये गाड़ी दोस्तों बहुत ही अच्छी कार है। मतलब सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं जो एक इंसान को नीड होती है, मतलब बाहर से आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली दोस्तों, बहुत ही अच्छा पैकेज बन जाता है। और दोस्तों तीसरे इसके कंपटीटर की बात करते हैं, वो दोस्तों होंडाई ओरा। होंडाई ओरा में दोस्तों लगभग सारे फीचर्स से मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ इंजन भी 4 सिलेंडर का है। और दोस्तों बट उसके अंदर दोस्तों हमें सेफ्टी जो है वो 2 स्टार मिलती है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और दोस्तों अगर हम पर्सनली हमारे ओपिनियन की बात करें, उसके लुक दोस्तों हमें तो अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है दोस्तों। ये उसका एक डाउनसाइड है कि उसकी सेफ्टी रेटिंग काफ़ी कम है, मतलब 2 स्टार यार क्या मायने रखती है दोस्तों। सेफ्टी रेटिंग अगर देखी जाए तो ये दोनों कार जो है टिगोर और होंडा में दोस्तों कंपीट करती हैं आपस में। तो दोस्तों उसका भी हम वॉकराउंड आपके लिए लेके आएंगे कि कैसे उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें अच्छी उसके अंदर हैं, क्या चीज़ बुरी हैं, उसका भी वॉकराउंड लेके आएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, आप लाइक नहीं करते हो यार, बहुत दिल से बुरा लगता है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो साथ ही साथ अगर अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हो कि आपको सेडान लेनी है, हैचबैक लेनी है या फिर आपको SUV लेनी है, तो दोस्तों इस वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक दोस्तों कीप एक्सेलरेटिंग विद टर्बो एस्पिरेटेड।